शर्मा जी, कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, वित्त मंत्री श्रीमान राजेश अग्रवाल जी, सार्वजनिक शिक्षा मंत्री श्रीमान आशुतोष टंडन जी, वन मंत्री श्री तारा सिंह जी, सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, विधायी एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कृषि निर्यात एवं विपणन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी, उत्तर प्रदेश शासन के मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, मान्य विधायक श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर नीरज वोरा जी, श्री अविनाश त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी राजा वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, लखनऊ प्रशासन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज के इस फसल ऋण मोचन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के अन्नदाता सभी किसान भाइयों बहनों, मैं भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का और आप सभी किसान भाइयों का आज के इस ऋणमोचन कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 तक देश के किसानों को स्वावलंबी बनाने और उनकी आय को दोगुना करने का लक्ष्य इस देश के प्रत्येक राज्य सरकारों के सामने रखा है। केंद्र सरकार ने उसके अनुरूप अपनी योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के स्तर पर होना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पूर्व जब हम लोग चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी से अक्सर इन सब मुद्दों पर चर्चा होती थी कि देश के अंदर जिन क्षेत्रों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां की सरकारें किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में 14-15 वर्षों के दौरान किसान यहां किसी के एजेंडे में नहीं रहा, राजनीतिक दलों के एजेंडे में नहीं रहा, सरकारों के एजेंडे में नहीं रहा और उसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे उर्वरा भूमि है, वहां का किसान बदहाल होता गया, गरीब होता गया, कर्ज के तले दबता गया। और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में कहा था, आदेश दिया कि सबसे पहला कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कोई होना चाहिए तो यह कार्य होना चाहिए कि इस अन्नदाता किसान के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अन्नदाता सुखी भवे के बारे में पहला अपना संकल्प को पूरा करते हुए जब सरकार बने तो पहला कार्य हो कि इन किसानों के फसली ऋण को माफ करने की कार्रवाई होनी चाहिए। और सज्जनों, इसी क्रम में हम लोगों ने जो पहला निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने पहला निर्णय लिया था, वो लिया था कि प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का मार्च 31 2016 तक का फसली ऋण को माफ करने का, 1 लाख तक के फसली ऋण को माफ करने का हम कार्य करेंगे। और उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऋण मोचन की कार्रवाई की शुरुआत लखनऊ से प्रारंभ की गई है और आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे बीच में हैं, मैं इसलिए आज के इस कार्यक्रम में उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, यह सरकार आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रही है, अन्नदाता किसान का एक हक है, उसका अधिकार है और उसका अधिकार
उसे वापस देने का कार्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, क्योंकि किसान उपेक्षित था, ये प्रताड़ित था। हमने देखा है पिछले 15 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर, जब एक किसान खाद और बीज लेने के लिए जाता था, उसे समय पर खाद और बीज तो नहीं मिल पाता था, लेकिन उस पर पुलिस की लाठियां जरूर उस पर बरसती थी। पहली बार हुआ है जब केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तो बीज और खाद की किल्लत उन्होंने नहीं होने दी, खाद के दाम कम किए गए, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई जब किसान को बीज और खाद के लिए भटकना नहीं पड़ा और किसान को आज स्वावलंबी बनाने के लिए, उसके सतत आर्थिक उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार इस ऋण मोचन के कार्यक्रम को लेकर के आप सबके बीच में आई है। आज से ये कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। जिन किसानों को एक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने कहा कि चूंकि 86 लाख किसान इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने हैं, तो 86 लाख किसानों को वेरिफिकेशन की कार्रवाई, लगभग 70 लाख से ऊपर किसानों के वेरिफिकेशन की कार्रवाई अब तक पूर्ण हो चुकी है, और आधार से लिंक करने की कार्रवाई भी, उसमें कुछ अलग अलग चरणों में इस कार्य को हम लोग करने जा रहे हैं। तहसील स्तर पर, जनपद स्तर पर और कमिश्नरी स्तर पर किसी भी किसान को इन त्रिस्तरीय व्यवस्था के बाद कहीं और भटकना न पड़े, इसके लिए पूरी जवाबदेही तय कर दी गई है। और मैं इसलिए आज के इस अवसर पर, जब यह फसल ऋण मोचन की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो यह किसी किसान पर उपकार नहीं बल्कि किसान के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए उस किसान के सतत आर्थिक स्वावलंबन की दिशा से एक प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। और उस प्रक्रिया के तहत आज यहां पर उन सभी किसानों को, जिन किसानों का खाता आधार से लिंक हो गया है, उन लोगों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्य यहां पर मंच से संपन्न होने के साथ पूरे प्रदेश के अंदर ऋण मोचन की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। सज्जनों, उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे आश्चर्य होता था, इन 15 वर्षों में जाति की राजनीति हुई, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटा गया, शासन की योजनाओं को तुष्टीकरण का भेंट चढ़ाया गया। पहली बार हो रहा है जब उत्तर प्रदेश के अंदर किसान केंद्रित राजनीति होगी, जातिवाद की राजनीति नहीं होगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, राजनीति का आधार बिंदु किसान बनेगा, ये अन्नदाता किसान बनेगा, और इस किसान के सम्मान के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसके स्वावलंबन के लिए कोई योजना बनकर के तैयार हो रही है। और उसी क्रम में जब दूसरा फैसला लेने की नौबत आई हमारे बीच, तो अथा कि किसान को आखिर उनकी उपज का उचित दाम कैसे मिले, एक सपना हो गया था उत्तर प्रदेश के लिए। हम लोग चिंतित थे कैसे होगा, प्रशासन 15 वर्षों में भूल गया था कि किसानों की उपज को भी कोई दाम दिया जाना चाहिए। मैंने फिर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से पूछा, मैंने कहा यह कैसे हम लोग करें, और उन्होंने मार्गदर्शन किया। हमने उसका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में, जिस उत्तर प्रदेश में 5 लाख से लेकर 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय आड़तियों के माध्यम से, एजेंटों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से क्रय किया जाता था, उस उत्तर प्रदेश में किसानों से रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं क्रय किया गया, और वह गेहूं भी क्रय किया गया 37 लाख मीट्रिक टन, जिसमें किसान को उनकी उपज का दाम को हम लोगों ने 1625 दिया ही, 10 रुपए अतिरिक्त देते हुए उस किसान के सम्मान को और खाते में सीधे पैसे देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इस कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ, और किसान को उनके आलू को देने के साथ साथ आलू का मूल्य देने के, समर्थन मूल्य देने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि 1 लाख मीट्रिक टन आलू का क्रय उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं करेगी।
जिन लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में आलू रख दिया था, उन किसानों के उस आलू का दाम उसे मिल सके, इस दृष्टि हम लोगों ने उसको मंडी शुल्क से मुक्त किया। और मंडी शुल्क से मुक्त करने के साथ साथ ये भी व्यवस्था की कि अगर वह किसी अन्य राज्य में भेजना चाहेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार इसमें भी उसे सब्सिडी देगी, और अगर वह कहीं दूसरे देश में उसे एक्सपोर्ट करना चाहेगा इसके लिए भी पर क्विंटल के हिसाब से उस किसान को उत्तर प्रदेश सरकार सहायता देगी। यह कार्य भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। और अभी हम लोगों ने तय किया है धान क्रय होगा किसानों का, उन सभी किसानों के धान के क्रय की भी व्यवस्था हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर दी है अभी से। और हम लोग तय कर रहे हैं कि अगर हम लोगों ने पर क्विंटल गेहूं में 10 रुपए अतिरिक्त समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रत्येक किसान को दिया है तो हम धान में इस राशि को बढ़ाकर के 15 रुपए प्रति क्विंटल करने जा रहे हैं, जिससे प्रति क्विंटल अतिरिक्त लाभ किसान के खाते में सीधे पहुंच सके और किसान उससे लाभान्वित हो सके। तो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धनराशि प्रत्येक किसान को देने की कार्रवाई और उसकी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर अभी से प्रारंभ हो गई है। सज्जनों, आप सब जानते हैं कि आज प्रदेश में भी और केंद्र में भी दोनों सरकारें किसानों के हितों को संरक्षण देने वाली सरकार है। आप सोचे कि जो पैसा आपके खाते में जाएगा या जो पैसा जो कर्ज आपका माफ होगा, अगर आपके पास जनधन खाता नहीं होता तो जनधन खाता न होने के नाते सरकार की किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाता। आप सोचिए, आजादी के 65-66 वर्षों तक किसी ने नहीं सोचा कि किसानों का भी खाता होना चाहिए, इस देश के गरीबों का भी खाता होना चाहिए, इस देश के मजदूरों का भी खाता होना चाहिए। पहली बार हुआ है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने किसानों के बारे में सोचा है। और देखते ही देखते 25 करोड़ किसान इस देश के ऐसे थे जिनके पास अपना खाता नहीं था, उन 25 करोड़ किसानों का जनधन योजना के अंदर खाता खोल करके 5000 रुपए की क्रेडिट की सुविधाओं से दे करके अगर दुर्घटना में मौत होती है तो 2 लाख की बीमा भी उस खाते के साथ जोड़ करके उन किसानों को सम्मान के जीवन के साथ आगे बढ़ने, खुशहाली का जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसीलिए आज जब हम लोग यहां पर इस योजना को लागू कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दौरान तमाम अन्य योजनाएं लागू की। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्था की है ड्रिप इरिगेशन का। किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए जितना मात्रा में वो चाहेगा हम उसको उतनी मात्रा में सहयोग करेंगे। लघु और सीमांत किसानों के लिए 80 से 90% तक हम लोग सब्सिडी इसमें देने जा रहे हैं। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दी है। हम 10,000 से अधिक उन परिवारों को जहां पर सिंचाई के लिए उचित साधन नहीं, सोलर पंप देने जा रहे हैं। और बड़ी मात्रा में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अब तक किसानों के पास उनका अपना विद्युत कनेक्शन नहीं था। जो लोग उत्तर प्रदेश में विकास की बातें करते हैं उनसे पूछना चाहिए कि 60 लाख किसान उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा था जिसके पास अपना विद्युत का कोई कनेक्शन नहीं था। हम लोगों ने पिछले 4 महीने के दौरान ऐसे 7 लाख से ऊपर किसानों को उनका विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन भी उपलब्ध कराया है। और ये व्यवस्था दी है कि हर किसान को विद्युत का कनेक्शन मिलना चाहिए। अगर 3 किसान परिवार कहीं पर हैं, वहां बिजली नहीं है तो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन वहां पर विद्युत का पोल लेके जाएंगे और विद्युत का कनेक्शन फिर भी किसान को निःशुल्क देने का कार्य करेंगे। एक योजना उत्तर प्रदेश के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। हम लोग इस बात को देखते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर नेताओं के बड़े बड़े मकान बन जाते थे, बड़ी बड़ी हवेलियां बन जाती थी, जीते जी लोग अपना स्मारक भी बना देते थे। लेकिन पहली बार हो रहा है जब किसानों के लिए भी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ होगा। और उसी क्रम में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस वर्ष
10 लाख गांव में निवास करने वाले उन गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को 10 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर इस वर्ष हम लोग देने जा रहे हैं और 2019 तक ऐसे 24 लाख परिवारों को निःशुल्क आवास देने का कार्य ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 5 लाख आवास देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपए आवास के, नक्सली क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए, शौचालय के लिए 12,000 रुपए अतिरिक्त, और अगर वो अपना मकान स्वयं बनाता है तो 15,700 रुपए की अतिरिक्त सहायता उस किसान परिवार को देने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के अंतर्गत करेगी। इस योजना को हम लोग लागू कर चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 20 जून को लखनऊ आए थे उस समय इस योजना का शुभारंभ लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है और प्रदेश के अंदर अब तक 6 लाख से अधिक किसानों के खातों में हम लोगों ने उनके आवास की पहली किस्त भी जारी कर दी है। हम लोगों ने पूरी राजनीति को ही किसान केंद्रित बनाने का कार्य किया है और किसानों के लिए हम लोगों ने व्यवस्था भी कर दी है कि आने वाले समय में कोई आपके साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करने पाएगा। राजस्व के खातों को हम लोग आपके आधार के साथ जोड़ने जा रहे हैं, आपकी खतौनी को आपके आधार से लिंक करने जा रहे हैं। अब यह नहीं हो पाएगा कि खेत आपका और कोई दूसरा फर्जी व्यक्ति को खड़ा करके आपके खेत को किसी दूसरे के नाम से बैनामा कर देगा। हमारा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है कि जो भी किसान के खेत को धोखाधड़ी करके अगर गलत तरीके से हड़पने का कार्य करेगा वह हड़प तो नहीं पाएगा लेकिन जेल की सिंकाचों के अंदर जरूर बंद हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, वो व्यवस्था हम लागू भी कर चुके हैं। सज्जनों, यहां पर बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक जो बहुत ज्वलंत मुद्दा हम सबके सामने रखा है वह है बुंदेलखंड में अन्ना परसा का और अवारा गौवंश का अन्य क्षेत्रों में भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है, इस समाज की ही स्वयं की समस्या है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग को और गो सेवा आयोग को इसके बारे में एक योजना बनाने के लिए कहा है और इसी के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था लागू की है उत्तर प्रदेश में, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, क्योंकि किसान अपने पशुधन को लेके कहां जाएगा। गौचर की भूमि तो मैं तो भू माफिया का कब्जा हो गया है और उस भू माफिया के कब्जे को पिछले 15 वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अब उत्तर प्रदेश में ऐसे भू माफियाओं को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं दे पाएगा और देगा तो फिर उसको कहां जाना है यह उसको भी जानकारी है कि उसको फिर कहां जाना है। और इसलिए हम लोगों ने एंटी भू माफिया पोर्टल भी अपना लॉन्च किया है और एंटी भू माफिया पोर्टल पर आप भी अपने अवैध कब्जों के बारे में जानकारी भेज सकते हैं। हम लोगों ने हर जनपद में इस प्रकार की अपनी कार्रवाई प्रारंभ की है, पर्याप्त मात्रा में जमीनें आ रही हैं और गौचर भूमि को मुक्त करा करके हम लोगों ने गौ सेवा आयोग से कहा है कि पहले शहरी क्षेत्र और बुंदेलखंड को पहले चरण में लीजिए और दूसरे चरण में हर जनपद मुख्यालयों को लेकर के कैसे अवारा गोवंश या उन पशुओं के बारे में कोई कार्य योजना तैयार कर सकते हैं, इस संबंध में मैं आप सबका भी सहयोग चाहूंगा। हम लोग चाहेंगे कि आपका भी सहयोग मिले। उत्तर प्रदेश सरकार आपको उन्नत किस्म का गोवंश देने के लिए सहयोग करेगा। गोवंश की उन्नत किस्म आए इसके लिए हम लोग आपको मदद करेंगे, लेकिन एक अनुरोध होगा कि गाय का दूध पी करके सड़कों पर न छोड़े, ऐसा नहीं हो पाएगा। हमें उस प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। अगर गौ माता है तो फिर मां के रूप में उसको सम्मान देने का कार्य भी करें और प्रदेश सरकार इस मामले में भरपूर सहयोग करेगी कि हर गांव में गौचर भूमि पुनर्जीवित हो सके। कम से कम प्लाट स्तर पर तो हम उसको पुनर्जीवित करके ऐसी व्यवस्था करें कि शासन सहयोग करे
और ब्लॉक स्तर पर या जनपद स्तर पर एक कमेटी बनाइए जो उसका संचालन करने के लिए आगे आ जाए। हम किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार और किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की छूट किसी को नहीं देंगे। कोई किसानों का शोषण नहीं कर पाएगा। और यह आपने देखा होगा, गन्ना किसानों का पहले वर्षों वर्षों का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता। हम लोग जब 19 मार्च को लखनऊ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया, पहली बैठक ली, तो पता लगा कि साहब यहां तो 2013-14 का, 14-15 का, 15-16 का गन्ना मूल्य का भुगतान ही नहीं हुआ। हम लोग तो कहते, हम लोगों ने चुनाव में कहा था कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर हो जाए, 14 दिन से अधिक नहीं लगेंगे, कैसे होगा। लेकिन पहली बार हो रहा है, 23,500 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग किसानों का करवा चुके हैं और 2,000 करोड़ रुपए के आसपास जो पैसा बचा हुआ है उस पैसे को भी हम लोग यथाशीघ्र देने के लिए संकल्पित हैं, पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम लोगों ने कह दिया चीनी मिलें भी चलेंगी और साथ साथ गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा कोई भी फैसला कोई सरकार ले ले कि चीनी मिल मालिक चाहे पैसा दें या ना दें, लेकिन चीनी मिलों को चलाते रहो, गन्ना उनको देते रहो, सब्सिडी का लाभ उनको देते रहो। आपको याद होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही व्यवस्था की थी, उन्होंने कहा था कि गन्ना किसानों हम चीनी मिलों के लिए जो सब्सिडी देंगे वह पैसा चीनी मिल मालिक को नहीं देंगे, पैसा देंगे किसान के खाते में देंगे, पैसा किसान के सीधे खाते में जाए और किसान के खाते में जाकर के उसका वर्षों वर्षों का जो गन्ना मूल्य बकाया है इस गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान होना ही चाहिए। और इस कार्य को करने का कार्य 15 वर्षों के बाद अगर हुआ है तो इस वर्ष पुनः हुआ है। यह कार्य आपने या तो तब देखा था, चाहे वह गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान का रहा हो, चाहे वह किसानों के उपज का उचित दाम देने का रहा हो, चाहे वह उस समय किसान केंद्रित राजनीति को ध्यान में रख करके प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को देने का रहा हो, यह कार्य या तो आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश की सन 2000-2002 की उन सरकारों के समय हो पाया था, या फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की बनी सरकार में हो रहा है। अन्यथा 15 वर्षों तक किसान कभी भी किसी इन राजनीतिक दलों के एजेंडे में रहा ही नहीं। सत्ता काबिज होना इनके लिए सौदाबाजी का एक जरिया था, सत्ता इनके लिए व्यवसाय थी, ट्रांसफर पोस्टिंग इनका एक व्यवसाय था, राजनीति का अपराधीकरण करके इन अपराधियों के माध्यम से अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करना इनका एक पेशा बन चुका था। उत्तर प्रदेश की यह नई सरकार इस प्रकार की कुकृत्यों को प्रदेश के अंदर कतई इजाजत नहीं देगी। एक पारदर्शी व्यवस्था देंगे, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में सुशासन ला करके रहेंगे, उत्तर प्रदेश को राजनीति को किसान और युवा को समर्पित करते हुए हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। इस कार्य के साथ, इस बात के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सभी किसान भाइयों को जो आज उत्तर प्रदेश शासन की फसल ऋण मोचन योजना का लाभ ले रहे हैं उनके प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों को पूरी प्राथमिकता देगी। क्योंकि किसान किसी जाति का नहीं होता है, किसान किसी मत और मजहब का नहीं होता है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति संकीर्णताओं के दायरे में कैद होकर के रह गई थी, परिवार जाति मत और मजहब के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की जो एक कुत्सित राजनीति उत्तर प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से चल रही थी अब उसके दिन लद गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में किसान केंद्रित राजनीति होगी, युवा केंद्रित राजनीति होगी और उस किसान केंद्रित और युवा केंद्रित राजनीति को ध्यान में रख करके आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि आइए प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हमें देश की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर दिलाया है कि हम
एक ऐसा भारत देंगे जो भारत स्वच्छ भारत होगा, जो भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, जो भारत संप्रदायवाद, जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त भारत होगा। उस भारत के निर्माण में आप सबके सहयोग के आकांक्षी हम सब हैं। आज के इस अवसर पर आप सभी किसान भाइयों को, यहां पर 50 किसान भाइयों को माननीय मुख्य अतिथि के करकमलों से प्रमाण पत्र वितरित होंगे, शेष किसानों को वहीं पर प्रमाण पत्र वितरित होंगे। और आज मान करके चलिए कि 31 मार्च 2016 तक जिन भी किसानों पर 1 लाख, लघु और सीमांत किसानों पर 1 लाख तक की का जो बैंक का कर्ज था वह माफ हो चुका है, उसका पैसा, एक एक पैसा वह उत्तर प्रदेश सरकार बैंक को अदा कर रही है। जिनका एनपीए हो गया था उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था प्रारंभ की है, उसमें चिंता की बात नहीं। पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सभी बैंकर्स की बैठक स्वयं लेकर के उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी किसान भाई के पास कोई नोटिस नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसलिए बंधुओं, मैं आप सबको इस बारे में आश्वस्त करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। इस पूरी योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए हमारे दोनों मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री तो लगे ही थे, लेकिन इन सबकी आत्मा के रूप में काम किया है हमारे अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अनूप कुमार पांडे जी ने, पूरी लगनता के साथ, पूरी तत्परता के साथ उसको जीरो से और मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया है, उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का कार्य किया है। और इसलिए मैं उन्हें भी हृदय से साधुवाद देता हूं, लखनऊ के कमिश्नर, जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने प्रदेश के अंदर इस बृहद योजना को, इतनी बड़ी योजना को क्रियान्वित करने में, पहला आयोजन लखनऊ में आयोजित करके या संपन्न करने में और सफलतापूर्वक संपन्न करने में अपना योगदान किया है। यहाँ के हमारे जो मंडलायुक्त हैं, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, यहाँ की उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पहला आयोजन यहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है, मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम को देख करके यह प्रत्येक जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, प्रत्येक तहसील स्तर पर इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वितरित होंगे, जिसमें हमारे माननीय सांसद और माननीय विधायकगण जाकर के प्रत्येक किसान को उसका अधिकार दिलाने का कार्य सर्टिफिकेट देकर के प्रारंभ करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर सफलतापूर्वक इस आयोजन को संपन्न कराने में अपना योगदान देने के लिए मैं अपने मीडिया के बंधुओं को भी हृदय से साधुवाद दूंगा, जिन्होंने प्रचार प्रसार करके इस योजना को एक देशव्यापी योजना बना दिया और उनके कारण और किसान भी यहां पर पहुंच गया। हर जनपद में कार्यक्रम होंगे, प्रदेश की हर तहसील में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करके अपने किसान बंधुओं को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबके प्रति मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए ऋण मोचन के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आयोजन में उपस्थित होने के लिए सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार इसी प्रकार से आप तक पहुंचाती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और बता रहे थे सरकार कितनी चिंतित है सभी किसानों के लिए और जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी तक जरूर पहुंचेंगी। फिलहाल मंच पे आसीन हो चुके हैं दोबारा से एक बार योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ हैं। तो लखनऊ में कार्यक्रम और वहां शामिल होते हुए बोलते हुए अपनी सरकार